बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को तायर महमूद फूड सीक्रेट की तरफ से दिली ईद मुबारक हो। हमारी दुआ है कि खुदावंद करीम आपको ऐसी हज़ारों ईदें नसीब फरमाए। आज हम आपके साथ मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे। वैसे हमारे चैनल पर मटन पुलाव की रेसिपी मौजूद है जो कि 5 kg और 10 kg में है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ईद स्पेशल मटन पुलाव की 1 kg में भी रेसिपी शेयर करें। आज हम आपके साथ शादियों वाले देगी मटन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले ये राइस भिगो लेंगे। ये 1 किलो हमने बासमती राइस लिए हैं, 1121 कायनात का स्टीम राइस है ये। अगर आप चाहें तो सेला राइस भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कच्ची बासमती भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने 1121 कायनात का स्टीम लिया है। एक पानी हम इसका चेंज करेंगे अच्छी तरह से वाश करके, दूसरे पानी में हम इसको 1 घंटे के लिए भिगो के छोड़ देंगे। अगर आप सेला राइस यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 से 2.5 घंटे के लिए भिगो के रखें। अगर आप कच्ची बासमती यूज़ कर रहे हैं यानी कि वाइट वाले जो बासमती राइस होते हैं तो फिर आप 30 से 35 मिनट भिगो के छोड़ दें। तो दूसरी साइड चले जाते हैं, मटन को भी हम बॉईल कर लेते हैं। मटन को हम टेंडर करेंगे, इसका मेन मकसद ये है टाइम बचाने के लिए। तो 1 किलो हमने मटन लिया है, मिक्स गोश्त है, इसमें रान के पीसेस भी हैं, इसमें चॉम्प वगैरह भी है, दस्ती भी है, सीने के पीसेस भी हैं। 1 किलो हमने लिया अच्छी तरह से वाश करके प्रेशर कुकर में हमने शामिल कर दिया है। पानी शामिल कर देंगे 1 लीटर, तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट या फिर गरम मसाले वगैरह हम कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। नमक शामिल करेंगे सिर्फ 1 टीस्पून। गरम मसाले अदरक लहसुन वगैरह आगे जब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे उस वक्त शामिल करेंगे। प्रेशर कुकर को हम अच्छी तरह से फिक्स करके टाइट करके स्टार्टिंग के 8 से 10 मिनट सीटी जो नहीं चलेगी उसका टाइम आपने काउंट नहीं करना। जब सीटी चलना स्टार्ट हो तो फिर आप इसको 20 मिनट काउंट कर लें। तो गोश्त हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, अभी हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। सबसे पहले कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे 150 ml। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज, बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे और इसको हम ब्राउन कर लेंगे। तो फाइनली देख सकते हैं प्याज हमारी अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है। अभी हम इसकी आग बंद कर देंगे और तमाम मसाले एक साथ इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले दही शामिल कर देंगे 200 ग्राम, साथ ही साथ हम इसमें टमाटर भी शामिल कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, 200 ग्राम के करीब वज़न बनता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल हमारा जो है गर्म है, क्योंकि केटरिंग पे जो होता है वो तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, वहाँ ब्राउन प्याज मौजूद होता है, इसलिए तमाम मसाले बग़ैर आग के जो है एक ही साथ शामिल करके उनको भून लिया जाता है। तो यहाँ पे हर घर में ब्राउन प्याज मौजूद नहीं होती, इसलिए रेसिपी हम यहाँ इस तरीके से बना रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1.5 टेबल स्पून, साथ ही साथ इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये मलीर मिर्ची है, बारीक वाली जो छोटी मिर्ची होती है, तेज़ होती है, थोड़ी तीखी होती है, तो 4 टेबल स्पून हमने शामिल किए ग्रीन चिली का पेस्ट। साथ ही साथ गरम मसाले भी शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 4 से 5 बादियान के फूल, 3 से 4 तेज़पत्ते, 4 सब्ज़ इलायची, 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के, 1 टीस्पून लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च। ये साबुत गरम मसाले आ गए हैं। इसके साथ ही साथ हम मटन भी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से हमारा जो मटन है टेंडर हो चुका है, तकरीबन 90 से 95% तक ये टेंडर है। साथ ही साथ इसके 1 टेबल स्पून के करीब चिली फ्लेक भी शामिल कर देंगे, हल्का सा टच देंगे चिली फ्लेक का। नमक शामिल कर देंगे 1.5 टेबल स्पून, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। दोबारा अभी हम इसके नीचे आग जला लेंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे टमाटर के अच्छी तरह से मैश होने तक। और इसमें पानी नज़र आ रहा होगा क्योंकि दही, ग्रीन चिली का पेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है गर्म होने के बाद पानी की शेप में आ जाएंगी, तो इसको अच्छी तरह से खुश्क करके भून लेंगे। तो फाइनली देख सकते हैं 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे तमाम मसालों को हमने मटन के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल ऊपर आ चुका है, अभी हम इसमें हरे मसाले और आलू बखारा वगैरह शामिल करेंगे। आलू बखारे लिए हमने 10 से 12 दाने आलू बखारे के हैं। साबुत हरी मिर्च शामिल कर लेंगे 10 से 12 दाने, 1-1 मुट्ठी धनिया पुदीना की बारीक काट के शामिल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट लेके आएगी। साथ ही साथ 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ भी शामिल कर देंगे।
अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। सौंफ, धनिया, हरी मिर्च, आलू बखारे वगैरह को, आलू बखारा हमने स्टार्टिंग में इसलिए शामिल नहीं किया, जब ये तैयार होता है तो फिर इसकी गुठली अलग, गुदा अलग हो जाता है, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इस स्टेज पे अगर आप शामिल करेंगे तो लास्ट में जब हमारा पुलाव तैयार होगा, आलू बखारे भी नरम होंगे, बिल्कुल साबुत होंगे। थोड़ा सा हमने इसको मिक्स किया है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे, क्योंकि ये सारे मसाले जो होते हैं खुशबू के मसाले होते हैं, इनको ज़्यादा देर भूना नहीं जाता। तो यखनी शामिल कर देंगे, चार गिलास, जब हमने मटन को बॉयल किया था तो हमने चार गिलास एक लीटर के करीब हमने पानी शामिल किया था। एक गिलास के करीब हमारी यखनी ड्राई हो चुकी है, तीन गिलास के करीब हमारे पास ये यखनी बची है। तो एक किलो चावल के लिए यानी चार गिलास चावल के लिए छः गिलास पानी होना लाजमी है। तो तीन गिलास हमने यखनी शामिल कर दी है और अभी हम तीन गिलास जो है वो नॉर्मल पानी इसमें शामिल करेंगे, तो टोटल छः गिलास हो जाएंगे। आप अपने राइस चावल के हिसाब से पानी शामिल करें, जितना पानी है वो लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे, दो से तीन मिनट उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दो से तीन मिनट के बाद हमारी यखनी में ग्रेवी में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। इसमें चावल शामिल कर देंगे पानी अच्छी तरह से ड्रेन करके। और बिल्कुल प्यार के साथ, एहतियात के साथ इनको मिक्स करेंगे, क्योंकि ये सेला राइस नहीं है, ये बासमती की तरह के राइस होते हैं, स्टीम राइस, तो ये भी टूटने का इनका ख़तरा होता है। तो बिल्कुल एहतियात के साथ खड़े चमचे के साथ इनको मिक्स करेंगे, दो से तीन मिनट इनको हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। जैसे इनमें बबल्स आएंगे तो फिर हम इनको दम पर लगा देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, दो से तीन मिनट इनको हाई फ्लेम पर पकाने के बाद हमारे जो राइस हैं चावल, इन्होंने अच्छी तरह से पानी पी ली है, बिल्कुल जो है इसमें थिकनेस सी आ गई है, बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी हम इनको दम पे रखेंगे, कवर कर देंगे और आग का फ्लेम बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे। हल्की आंच के ऊपर हम इनको 15 मिनट दम पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 15 मिनट हो चुके हैं हमारे मटन पुलाव को दम पे रखे हुए, कवर हमने रिमूव कर लिया है। देख सकते हैं आलू बखारे साबुत हैं, अच्छी तरह से सॉफ्ट और नरम भी हैं, और राइस की लेंथ माशाल्लाह से देख सकते हैं, हर दाना निखरा निखरा अलग अलग तैयार हुआ है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जी जब हम पुलाव या बिरयानी को दम से रिमूव करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उनमें नमी होती है, थोड़ा बहुत पानी होता है। तो उनके लिए टिप्स है कि जब वो मिक्स करने लगे तो आग को हल्की आँच से थोड़ा सा बढ़ा दिया करें, थोड़ी तेज़ कर दिया करें 15 से 20 सेकेंड, जब तक आप बिरयानी या पुलाव को मिक्स कर लें तो आग जो है आप नीचे हाई कर दिया करें। इसी दौरान आपकी पुलाव और बिरयानी में मौजूद जो भी मॉइस्चर या थोड़ा बहुत पानी होगा वो खुशक हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से हर दाना निखरा निखरा अलग अलग तैयार हुआ है, और कितनी ज़बरदस्त किस्म की लुक है और जो खुशबू आ रही है, सुबहान अल्लाह। ईद स्पेशल रेसिपी है मटन पुलाव की, ये 1 kg की छोटी रेसिपी होम कुकिंग के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।